माननीय सदस्य श्री महेश पटेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा करवाई जा रही विभिन्न तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल को रोकने हेतु नेट बंदी करवाई जाती है। सुरक्षा हेतु तो नेट बंदी बिल्कुल ठीक समझी जाती है, परंतु अपनी प्रशासनिक असमताओं को ढकने के लिए नेट बंदी करना ठीक नहीं है। नेट बंदी करने से आम जनता को बहुत परेशानी होती है और इससे राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान 75 बार नेट बंदी कर दूसरे नंबर पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि इस नेट बंदी के विषय पर चर्चा करवाई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेट बंदी करना कोई उपाय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नकल के साथ साथ भाई भतीजावाद भी खूब चल रहा है। मैंने आपको अनुमति दी अध्यक्ष महोदय, अपने स्थान पर बैठे रहिए। व्हाट्सएप वालों का क्या होगा, उनका तो टाइम ही नहीं, बैठे बैठे ना बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से इसका जवाब दिलवाने की व्यवस्था करवाई जाए। अनुमति से बोलने से अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। पर उत्तर दिए जाने की परंपरा नहीं है। आसन पैरों पर है, कृपया अपनी जगह पर बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर बात है। उपनेता प्रतिपक्ष आप वरिष्ठ हैं, कृपया बैठें। जवाब नहीं देकर बचना चाह रही है सरकार। नौजवानों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, इस पर हमारा घोर विरोध है। इस मुद्दे पर हम सदन की कार्रवाई को बहिष्कार करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए, यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही जवाब दिलवाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हिचकिचाइए मत, सच्चाई सामने आने दीजिए। क्या मंत्री जी कोई जवाब देना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हूँ, कृपया आप समय निर्धारित कर दें। इस मुद्दे पर मंत्री जी आज ही अपना वक्तव्य देंगे। प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वे सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हों।